These are faces that are lost in themselves. They have neither their own identity nor self-pride. These are women who are dying a slow death under the daily burden of their unrecognized labor. They are neither getting the due recognition for their labor nor a separate identity for themselves. They have been enslaved under the rules of tradition, culture, and the society. They have forgotten that there is something called dignity, as they have always lived without it. They have lost the will to live for themselves. This is the situation of the women living in small villages of Madhya Pradesh and Chhattisgarh. These women have been conditioned to submit and suffer throughout their lives. But some women, breaking all the tradition and barriers of injustice, become the harbingers of change. They are also born in a male-dominated society. They have also been brought up in the environment of poverty, atrocities, exploitation, and fear. तो खेती पे आश्रित था मेरा परिवार और खेती होती नहीं थी और मजदूरी कर भी नहीं सकते थे क्योंकि ओबीसी में थे और सबके घर में जगह जगह पूछ पूछ के कहाँ जाए मजदूरी करने तो ये भी स्थिति थी। अब सुबह में जब हम दोनों बहनें के लिए खाना बनता था तो मेरे एक चाचा थे, अभी भी चाचा हैं, तो मेरे चाचा हम कहते नहीं थे लेकिन बैठ जाते थे, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा खाना खा लेते थे और वो खाना चाचा को दे देते थे, चाचा खा लेते थे। कभी कभी हम लोग बिना नाश्ता खाना स्कूल जाती थी और पढ़ती थी, पढ़ के आती थी। एक साल मेरे घर में बिल्कुल ही खाने के लिए नहीं था। फिर जो चावल कूटते हैं ना, वो गरीबी याद करेंगे तो आंसू आएगा। चावल को कुटाने से जो कना निकलता है ना, जो मवेशियों को खिलाना चाहिए, उसकी रोटी हम लोगों ने खाया। लेकिन गांव वालों को, किसी को पता नहीं है कि मेरे घर में वो कने की रोटी बनती है, उसको हम लोगों ने खाया। इतनी गरीबी थी, इस गरीबी में मेरी माँ, इसी गरीबी के कारण मेरा बाल विवाह हुआ। Being a part of Ekta Parishad family, these women are leading a non-violent struggle to create a society that is fearless and free of exploitation. A society in which a person can live with dignity. Under the values and ideologies of the Ekta Parishad, these women have made this non-violent struggle their sole motto for the present and future to get the rights of the poor. They have made Ekta Parishad their family and all Dalits, Adivasis, poor and unprivileged their relatives. That they get from Ekta Parishad, they are preparing every village to fight for their causes and lead a life of dignity. Providing self-respect to every village and every woman, these women leaders are narrating their stories of struggle through this film in a bold and fearless way. आज मैं जितना बोल पा रही हूँ, जो exposure हुए, जो प्रशिक्षण हुए, चाहे कानूनी प्रशिक्षण हुआ हो, चाहे कृषि प्रशिक्षण हुआ हो, चाहे औषधियों का प्रशिक्षण हुआ हो, प्रशिक्षण यानी जानकारी, उन्हीं जानकारियों के कारण ही तो मैं इतनी ताकतवर हूँ कि लोगों से संवाद कर पाती हूँ और प्रत्येक क्षेत्र में लोगों को समझा पाती हूँ। प्रशिक्षणों के कारण भी तो हमारा संकोच और डर दूर हुआ है ना। Ekta Parishad's training process is a medium for the women to consolidate their strengths, boost their morale, and feel empowered to overcome their struggles. सिर्फ दृष्टि को थोड़ा सा फोकस करने के लिए, संगठन बनाना, संघर्ष के माध्यम से समाज परिवर्तन करने का जिसका रोजमर्रा का काम है, उनको कभी कभी याद दिलाना पड़ता है, देखो थोड़ा सा रुक, ये भी देखो क्या हुआ,
संसाधनों का क्या हुआ लोगों के हाथ में जो है। मैं इसलिए भी ये कह रहा हूँ कि रैली सभा में जाने वाले लोग कभी कभी मुड़ के पूछता है कि आखिर इतने रैली में जाने से हमको क्या मिला, क्योंकि वो रैलियों को मिला नहीं मानता, मिला मानता है ज़मीन को। देखिए रैली को मिला नहीं मानता, तो वो सिर्फ माध्यम मानता है। मिट्टी तो गीली होती है, पर उसको नमूना देने का जो काम है वो कुम्हार ही करता है, कितना कितना क्या। तो फिर बहुत सारे प्रशिक्षणों से जो मेरे अंदर में चीज़ें थी वो निखरती गई, वो सफाई आती गई। उनके जो प्रशिक्षण के वो रहती थी ना प्रश्न, गांव को कौन बर्बाद किया और गांव किस तरीके से बर्बाद हो गए और गांव को कौन ठीक करेगा, कैसे ठीक होंगे, कि संगठन बना के और ग्राम को इकट्ठा करके गरीब लोगों का समूह बना के उनकी ज़मीन के बचाने हैं, उनके जंगल के बचाने हैं, पानी बचाने हैं, यही सब तरीका है जो गांव के बचाए जा सका थी और यही लोग हैं जो अपनी लड़ाई के मिलके लड़ सका थी। तब हमारे मन में सारी वो प्रशिक्षण के दौरान पूरी चीज़ें निकलती थी नहीं, तब फिर ये सारी चीज़ें सामने, तो अपने मन में वो फिट हो गई सारी चीज़ें कैसे ऐसी चीज़ों को ठीक करना है। They got the courage to stand up against injustice through various processes, including padayatras, rallies, dialogues with the administrative officials, study tours within and outside the country, youth camps, and information on legal and government rules. These women carry forward this courage to village after village to mobilize them. हैं गांव में हम लोग कितना भी संगठन बनाएं, लेकिन ये राजनेता लोग वहाँ कर्मचारी लोगों को यही लोग रोकते टोकते हैं या यही लोग आदेश देते हैं काम करने के लिए, तो इनके साथ मिलके यदि हम लोगों का परिचय ज़्यादा नज़दीकी होगा तो अच्छा से हम लोगों को संगठन में मदद करेंगे काम करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री हैं अजीत जोगी, उनके पास भी हम लोग पहुँच गए, उनके साथ भी पहचान हो गया, तो क्षेत्र में थोड़ा और ताकत मिलेगा हमको काम करने में ऐसा लगता है। क्योंकि हमारा यही मानना है कि यदि हमारा ताकत अच्छा है, संगठन मजबूत है, तो चाहे मंत्री हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे कलेक्टर हो, उनको झुकना पड़ेगा ताकत के सामने, ये हमको ये एहसास होता है। ये प्रशिक्षण के दौरान मुझे मतलब सीखने को मिला कि संगठन में एक बहुत बड़ी ताकत है। As a result of these processes, the women have got the determination to fight for the issues of tribes and the poor as their own struggle. And this is the reason why these women leaders have developed a strong bond with the villages, their inhabitants and the soil. The relationship is growing day after day. जंगल की जमीन पर जुताई करते हो, क्या कर रहे हो, बता क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जाओ क्या कर रहे हैं, आ गए लोग, कर दिया पूरा जंगल। क्योंकि हम सबसे पहले उद्देश्य को बता दिए, हमारा संगठन बनाने का उद्देश्य क्या है, कि हम सभी गांव में जो अन्याय हो रहा है यदि किसी गरीब के प्रति, किसी महिला के प्रति, तो उसके प्रति भी आवाज़ उठाना, एक अच्छा गांव बनाना है, एक सुंदर गांव बनाना है, ये तभी होगा जब हम सब लोग मिलके जो गलत हो रहा है उसको ठीक करेंगे, तभी एक अच्छा गाँव बन सकता है और तभी गरीब को न्याय मिल सकता है, महिलाओं को न्याय मिल सकता है। उनकी सारी पूरी दिनचर्या से जुड़ो, तब कहीं वो जाके ये महसूस करा थी कि ये लोग हमारे काम खिलाने आए हैं, हमारा हित करें खिलाने आए हैं, नहीं तो ये लोग जो 50-55 साल के आज़ादी में जो लोग लूटे हैं ना, तो बहुत मुश्किल से विश्वास कर पाती ना, कौन लोग उन लोगों के लाभ दे पाते, कोई उनके साथ ऐसा थोड़ी है कि वो इतने गरीब हैं, पहले ही से छुआछूत दुनिया के दंदपन, तुम लोग गरीब हो, ऐसे हो, कहीं घिनहा हो, कहीं कुछ लोग आज तक जो ये समाज है लोगों के ऐसा कर करके बिल्कुल उन्हें कुंठित कर दें कि तुम गंदे हो, है ना, तो वो भी तो चाहती ना कि कोई हमारा सम्मान करे, कोई हमें ऐसा अपने पास बिठा रहे, कोई हमारा खाना खाए, तो इन लोगों के भी अपन खुद ऐसा एहसास दिलाएं कि ये लोग, इन लोगों के ये लगे कि बिल्कुल ये हमारे घर के लोग हैं, ये कोई अलग से काम करने के लिए नहीं आए। तो जब इंसान अंदर जाके देखा था ना, अंदर सारी चीज़ों के उनके साथ शेयर करा थे, तब कहीं लोग उनका जुड़ाव हो पाते। तो ऐसा नहीं था कि संगठन में केवल हम लोग सिखाने की बात करते थे, कई बार सीखने की बात भी करते थे।
तो संगठन में बहुत सारे ऐसे इनपुट थे जो कि गांव के व्यक्ति से भी निकल के हम लोग के लिए आए, और हम लोग की क्षमता विकास करने में भी गांव का ही योगदान था। और गांव में संगठन बना के हम सिखाने की दृष्टि से रचना का काम शुरू करते थे और हम खुद भिड़ते थे उनके साथ। समाज परिवर्तन का अगर गहराई में जाकर गांव में टिक के गाँव वालों के साथ काम करने की बात हो, गाँव वालों को निकाल के लाने की बात हो, आंदोलन में एक सशक्त भूमिका निभाने की बात हो, तो उसमें मुझे क्या लगता है कि जो प्रशिक्षण से नहीं आया इनबॉर्न जो मातृत्व का गुण है, ये जो मातृत्व का गुण कोई प्रशिक्षण से तो मिलता नहीं, वो तो नेचर से मिला हुआ है। माँ होने के कारण जो जो स्वाभाविक गुण है कि आप दूसरों का ध्यान रखते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, पैसा कौड़ी के बारे में ज़्यादा ख्याल रखते हैं और शराब से दूर रहते हैं, ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो स्वाभाविक रूप से आपको लगता है महिलाओं के साथ काम करना ज़्यादा आसान है। तो जब मैं शुरुआत में गई प्रशिक्षण में, तो सबसे पहले मैं बसना सराई पाली गई, तो हम लोग भी बंधुआओं का कैसे पुनर्वास करना है उस काम में जुड़ गए। ट्रेनिंग के समय मैं जब आई छत्तीसगढ़ से लौट के, तो मैंने जब देखा कि मेरे परिवार ही में बहुत सारे अन्याय हो रहे हैं, मेरे पिताजी भी बंधुआ रखे हैं, मेरे पिताजी भी इन सब के महिलाओं के इतना दबा के रखते हैं, चप्पल पहनते नहीं, तो मैं सवाल करती थी कि आप क्यों इनको इतना दबाते हैं, तो बोलते थे कि तुमको पता है पुरुष प्रधान देश था और मैं यहाँ का माल गुजार हूँ। तो मैं बोलती थी माल गुजार हूँ तो इसका मतलब नहीं है कि आप किसी के साथ अन्याय करें। तो मेरे पिताजी से मेरा झगड़ा हुआ और मैंने उनको वो जो बंधुआ लड़के थे उनको मैंने भगा दिया, मैंने कहा तुम लोग भाग जाओ, जो होगा तो मेरे पिताजी मेरे से झगड़ा करेंगे। तो वहाँ पर मैंने बहुत झगड़ा किया और मेरे परिवार में भी उनसे सबसे मेरे पिताजी के भी समझाया, तो उनने कहा कि सही कह रही है हमारी बेटी और जो सीख के आई है उसमें दम है। फिर मैं जब पिपरिया में काम करना शुरू की गांव लेके, तो सबसे पहले मैंने पिपरिया की ज़मीन महिला मंडल को पकड़ाई। जब मैं संगठन तैयार की तो पिपरिया में जो सहलावन गांव है वो आदिवासी गांव है, लेकिन प्रॉपर पिपरिया में सामंतशाही व्यवस्था बहुत है, बड़े बड़े लोग बहुत हैं। वहाँ के जो ब्राह्मण परिवार थे उनका खेती नहीं कटा, एक साल पूरा गेहूं खड़ा रह गया, क्योंकि इन महिलाओं ने तय कर लिया कि हम कम दाम पे आपके खेत में काम करने नहीं जाएंगे। तो जब इनके खेत खड़े हुए तो इनको पता चला कि यहाँ पे सरोज काम करती है संगठन का, तो इसीलिए मेरे पास फिर आए सब गांव के दो चार दस लोग जो ब्राह्मण परिवार के लोग, उनने कहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो सरोज, बहुत नुकसान है, तुमको समझ में नहीं आ रहा, कल तुमको समझ में आएगा तुम्हारा काम छूट जाएगा, ब्राह्मण के लड़के हर चलाएंगे। तो मैं कहा क्यों नहीं चलाते ब्राह्मण के लड़के हर, आदिवासी ठेका लेके रखा है का। तो जब संगठन बनाए हम लोग, ग्राम कोष अनाज कोष की बात किए, तो ग्राम कोष अनाज कोष में हम लोगों ने ज़मीन के हाईलाइट किए, तो जब ज़मीन पकड़े हम लोग और ज़मीन के साथ साथ हम लोग ने लकड़ी और पत्तल के बढ़ावा दिए, तो किसान का काम अपने आप कम हो गया, क्योंकि जब व्यक्ति के आय हो जाएगी तो क्यों जाएगा किसान के यहाँ काम। और मैं जहाँ जहाँ प्रशिक्षण चलाती हूँ तो मैं अपना तो यही भाग चलाती हूँ कि कम से कम महिलाओं का सोया हुआ आत्मविश्वास जगना चाहिए। महिलाओं में एक बात तो है कि यदि एक बार कोई चीज़ में वो परिपक्व हो जाएंगे तो फिर डरती भी नहीं है, बहुत दबा नहीं सकती है समाज। वो तो जब यहाँ की महिला पूरा संगठित भाए, लोग संगठित भाए, तब से यहाँ वन विभाग का भी दबाव ख़त्म और वहाँ उनके बड़े लोगों का भी दबाव ख़त्म कि उनकी चली नहीं है। फिर ये फॉरेस्ट के लोग का है कि आरोप लगाते थे कि अरे आदिवासी लोग इतनी सारी ज़मीन पकड़ लेते हैं, यही लोग जंगल सफाई का काम करते हैं, हमारे जंगल काटते हैं। तो हम लोग भी विकल्प में सोचे कि इन लोगों के भी अपने जवाब का कैसे, सवाल का कैसे जवाब दिया जाए। फिर हम लोग सब लोग मिल के तय किए, पूरे संगठन के लोग ये तय किए कि जो जहाँ जाए वहाँ से बीज इकट्ठा करके लाए, कछु का भी बीज मिले, चाहे वो लकड़ी का हो, बिही का हो, छीता फल हो, कुछ भी हो, पौधा होना चाहिए। हम लोग 50 किलो करीब हल्दी लेके आए थे, हल्दी लगाए, अदरक लगाए, तो ऐसे ज़मीन में हम लोग पूरा प्रैक्टिकल जैसे करती थी कि देखना चाहिए ज़मीन में कि इसमें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा सक्सेस है, ये सब करती थी।
तो यहाँ से नर्सरी हम लोग लगाए तो बहुत प्रचारित भी हुआ ये गाँव, बहुत प्रचार में। फिर जो यहाँ के चौकीदार हैं, रेंजर हैं, भी फिर यहाँ के लोगों को बिल्कुल नहीं परेशान किए। आज की हालत में तो एक भी परेशान नहीं करते। और यहाँ गांव वालों को भी पूरा प्रशिक्षण दिलवाए थे कि बिना पानी के हम लोग कैसे अपने बाड़ी में उत्पादन कर सकते सब्जी भाजी का। आप भी देख सकते हैं केवल एक ही नल है वहाँ जो जीवित है, पानी जिसमें है, जिसमें हम बोले कि इस समय आप लोग वहाँ ना नहा के अपनी अपनी बाड़ी में नहाओ, जिसमें कि यहाँ की सब्जी भाजी के लाने यहाँ पानी आपके ये सब्जी भाजी के उपयोग में आ सके। यही की वजह से सब लोग ये तय कर रहे थे कि अपनी अपनी बाड़ी में किचन गार्डन बना के, हम लोग थोड़ी थोड़ी से ऐसे बेड बना बना के, और देख लो ये बनाए हैं सब, कैसे हम लोग यहाँ बोएंगे। तो ये सब लोग पूरा सब लोग तय किए थे कि हाँ सब लोग अपने घर के यूज के हिसाब से तो निकाल ही सकते हैं ना, कहाँ दौड़ के मैहर जाएंगे। ये पैसा होना चाहिए तत्काल, मिर्ची खरीदो तो पैसा होना चाहिए, धनिया खरीदो तो पैसा होना चाहिए, है ना। इसीलिए सब लोग पूरे लोग पूरे गाँव में आप देख सकते हैं कि पूरे गाँव के लोग ये छोटा छोटा सब लोग लगाए हैं। कि जब यहाँ लोग थोड़ी थोड़ी करने लगे तो उन लोगों को भी लगा कि ये हम लोगों को तो पैसा नहीं लगता, हम लोग खुद खरीद अपना खुद उत्पादन यहाँ कर सकते हैं बिना पानी के, है ना। तो उन लोगों में विश्वास भी बढ़ा, लोग खुद अपना करने लगे। वो ये लगता है उनका भी एक जुड़ाव है ना कि विश्वास से हम लोग काम करते हैं, और जो जो हम लोग तय किए हैं वो सब काम हुए हैं। हम लोग उनके साथ जुड़ के काम किए हैं, जहाँ डैम बनाना है वहाँ चलो चल के और कुछ काम भी किए, वहाँ जाके बैठे भी रहे, पूरा दिन रहे, रात रहे, उनके साथ में कदम से कदम मिला के यहाँ हम लोग पूरा रहे हैं, जैसे मेड़बंदी का काम कर रहे। जो काम मान लो अपन लोग किए मिल के सब तय किए वो सब काम हुए हैं, इसीलिए उन लोगों को विश्वास है कि हाँ हमारे काम हुए हैं। तो आज भी समाज में गरीब तबके के लोगों के पूरे सम्मान की ज़रूरत है कि हमारा सम्मान हो, हमें कोई अच्छा कहे। अब देखो इतना लोग श्रम तो करते हैं लेकिन उनके श्रम का कहाँ सम्मान है। लोग पैसा देते हैं लेकिन उनके श्रम का सम्मान नहीं करते। और जहाँ श्रम का सम्मान हो, व्यक्ति का सम्मान हो, तो वो उन्हें क्या चाहिए, और वो तो फिर अपना श्रम कर ही लेते हैं ना। लेकिन समाज में अगर जो उच्च तबके के लोग हैं, अगर गरीब व्यक्ति या पिछड़ी समाजों का सम्मान करें तो हमारी समाजें अपने आप सशक्त हो जाएं। दिस आर द वीमेन ऑफ एकता परिषद। देयर इज जानकी who is developing entrepreneurship amongst women by churning charkha with them and training them. On the other hand, there is Rajkali, who is training women and instilling confidence in them to remain active in political process and feel responsible for good governance at a local level. Saraswati, Imla, Chandravarti, Gloria, Vimal and Surjo are encouraging the women to continue their struggle against oppression so that they can have equal rights and live with honor and dignity. मेरे को जैसे कि कोई भी रैली सभा वगैरह होता है, कोई सभा सम्मेलन होता है तो मैं जाती हूँ गांव गांव में, लोगों की समस्या सुनती हूँ, बताते हैं लोग अपनी मां को रखते हैं। तो लगता है कि इतने सारी समस्या, और उसके लिए हम लोग कई दिन से लड़ रहे हैं, कर्मचारी अधिकारी को सब बता रहे हैं, अवगत करा रहे हैं, लेकिन समस्या का हल होता नहीं है। इसलिए एक तो आक्रोश भी होता है अंदर अंदर, मन में गुस्सा भी लगता है कि ये लोग गरीब लोगों का बात सुनते क्यों नहीं है। बड़े लोग आते हैं फट से अपना काम करा लेते हैं, मंत्री मिनिस्टर से मिलके या पैसा देके अपना काम जल्दी से करा लेते हैं, लेकिन गरीब लोग बेचारे लोग इतना चिल्लाते रहते हैं, कई आवेदन निवेदन रैली धरना करके भी अवगत कराते हैं तब भी जल्दी से सुनते नहीं हैं। तो गुस्सा भी लगता है, और अपनी ताकत को बुलंद करने के लिए, और लोग जैसे शांत दिखते हैं
तो लगता है कि हमारे ऐसे चुप रहने से चलेगा नहीं, लोगों में जोश होना चाहिए, एक ताकत आनी चाहिए, तब थोड़ा उसका असर अलग होगा। लोगों को कर्मचारी अधिकारी लोगों को भी लगेगा कि यहाँ संगठन में कुछ ताकत है, इनका काम नहीं करेंगे तो ये लोग पूरा हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे, इसलिए उनको भी लगना चाहिए थोड़ा संगठन की ताकत। इस तरह से लगता है तो मेरे अंदर में भी जोश आ जाता है पूरा, कि जब मैं ज़ोर से आवाज़ जोश के साथ थोड़ा अपना मुट्ठी बांध के आवाज़ उठाऊंगी तो लोग भी चिल्लाएंगे, उस तरह से लोगों में भी उत्साह बढ़ेगा, लोगों में भी ताकत आएगा, उनका हौसला बुलंद होगा, तो हमारा एक शासन प्रशासन के ऊपर दबाव बनेगा और हमारा काम होगा। In the process of making the movement for equal rights and reconstruction strong, these women have handed over their leadership skills to other rural women who have become capable enough to take the struggle for justice and peace forward. जैसे अपने आप को समझी ना कि मैं जैसी हूँ, तो मैं सोची कि मेरे जैसे सब बहनें बन जाएं, जिसमें संगठन में भी मजबूती मिले, गांव में भी मजबूती मिले, गांव में भी एक अच्छा लीडरशिप मिले। यही के हिसाब से हम लोग पूरा बहनों को खड़ा किए हैं कि पूरा बहनें खड़ी हो जाएं। अगस्तिया के आप देख ही रही हैं कि जो भी जिम्मेवारी दे दो तो वो पूरा उन लोगों के तो निभाने ही निभाने हैं, वो अपनी जिम्मेवारी से कभी नहीं मुकरती। तो एक अच्छा वो भी है कि उन्हें छोटे छोटे मंच उपलब्ध करवाए, फिर बड़े मंच उपलब्ध करवाए, मीटिंग में अध्यक्ष बनवाए, मीटिंग में बोले के लाने उन लोगों को प्रेरित करे। एक ही वजह से वो आज कितनी सशक्त हैं कि आप देख सकती हैं कि गाँव को पूरा सजा के रखी हैं। ऐसी काफी लड़ाई की है तो जंगलवारों से, बाकी डरे नहीं हम लोग, हमारी सब बहने नर्मदा बहन है। ये अपने आप से ये नहीं चाहती थी कि मैं स्टेज पर खड़ी हूँ। से यहाँ भी कोई भी कार्यक्रम होता था वहाँ हम उसे खड़े करते थे, टूटी फूटी भाषा दो शब्द कहो लेकिन कहो, ऐसे करके उसमें बहुत हिम्मत हुई और आज वो प्रदेश काउंसिल के सदस्य है। When they stood in front of camera for the first time, they could not contain their smiles and exclamations. अच्छा है, अब शूटिंग होने से हम कई जगह दिखेंगे, ये सब आप लोग जानो। अरे मेरे को तो पता नहीं क्या होगा, क्या करेंगे, इस तरह का चल रहा था। कैमरा से डर भी लगता है क्योंकि पता नहीं क्या क्या, वो कैमरा में तो घुसने के बाद निकलता है। कंधों पर आ गया था सर को उठा के चले।